फ्रेंड्स वेलकम टू अर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज़ अपडेटेडी अवस्थी जैसे आपको पता होगा वी आर डीलिंग विद आर्ट एंड कल्चर सीरीज तो उसका आज लेक्चर नंबर सिक्सटीन और आपको याद होगा वी आर डीलिंग विद गुप्ता अंपायर गुप्ता अंपायर को हम डिस्कस कर रहे थे जिसमें आज इंपॉर्टेंट पार्ट है गुप्ता अंपायर का दैट इज गोइंग टू बी द टेंपल आर्किटेक्चर ओके तो आज हम टेंपल आर्किटेक्चर डील करेंगे एक्चुअली टेंपल आर्किटेक्चर ये चार लेक्चर्स में कंप्लीट होगा तो यार इट विल टेक फोर लेक्चर्स टू कंप्लीट द होल टेंपल आर्किटेक्चर तो उसका फर्स्ट पार्ट आप कह सकते हैं जिसमें आज हम डेवलपमेंट ऑफ इंडियन टेंपल्स डिस्कस करेंगे ओके एक नॉर्मल डेवलपमेंट कैसे हुई इंडियन टेंपल्स की और उसके बाद फीचर्स जो इंडियन टेम्पल के हैं उनको डिस्कस करेंगे ओके इसके बाद हम अपना नगारा स्टाइल आपने सुनी होगी ठीक

आर्किटेक्चर होता है एंड देन कंबाइंड स्टाइल होता है मतलब नगारा और द्रविडियन का मिक्सअप जिसको हम वर्सा स्टाइल भी कहते हैं ओके okay, तो मतलब तीन स्टाइल ऑफ टेंपल आर्किटेक्चर है एक है नगारा एक है द्रविडियन और तीसरा जो है दैट इज वर्सा टेंपल आर्किटेक्चर ओके तो ये तो हम इसको आगे लेक्चर्स में हम इनको डिस्कस करेंगे वॉट इज दिस नगारा द्रविडियन एंड वर्सा उससे पहले हम एक्चुअली डेवलपमेंट देखेंगे टेम्पल्स की और कुछ फीचर्स देखेंगे ओके okay? क्या देखिएगा अभी बेसिक परस्पेक्टिव से इतना देखिएगा जो नगारा स्टाइल है मतलब नॉर्थ इंडियन टेम्पल्स में वो देखने को मिलता है वो स्टाइल द्रविडियन साउथ इंडियन में और इसका मिक्सड जो है वो आपको अलग अलग इंडिपेंडेंट जगहों पर देखने को मिलता है जिसको हम वर्सा स्टाइल भी कहते हैं मतलब तो दोनों के फीचर्स मिक्स हो जाते हैं उस पर्टिकुलर स्टाइल में दैट इज नोन एज वर्सा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, ओके okay? तो इनको हम आगे में करेंगे बट आज सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले की बात करें तो उसको डिस्कस करेंगे और टेम्पल्स की डेवलपमेंट मैंने फाइव स्टेजेस में डिवाइड कर रखी है याद रखिएगा टेम्पल्स की डेवलपमेंट फाइव स्टेस में डिस्कस करेंगे यहां पर भी वही पॉइंट लिखा है कि ब्रॉडर क्राइटेरिया में अगर टेम्पल आर्किटेक्चर को लिया जाए ब्रॉडर क्राइटेरिया में तो ऑफकोर्स नगारा स्टाइल एंड रविडियन स्टाइल नगारा इन द नॉर्थ इंडिया द्रविडियन इन द साउथ होता है ओके okay, और कहीं कहीं आप ये भी देखते हैं वर्षा स्टाइल ऑफ भी आर्किटेक्चर भी है जिसमें क्या है कंबाइंड फीचर्स हैं किसके दैट इज नगारा के एंड द्रविडियन के कंबाइंड फीचर्स हैं ये आपको देखने को मिलेंगे और ये स्टाइल जो टेम्पल आर्किटेक्चर है यह आपको इंडिपेंडेंट प्लेसेस में ठीक है कोई पर्टिकुलर लोकेशन नहीं है इंडिपेंडेंट जगह पर जैसे नगारा नॉर्थ में है द्रविडियन साउथ में है और ये इंडिपेंडेंट प्लेसेस में आप वर्षा स्टाइल ऑफ टेंपल आर्किटेक्चर देख सकते हैं ओके okay, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले जो मैंने बोला डेवलपमेंट ऑफ टेंपल्स में फर्स्ट वी आर गोइंग टू डाइव ऑफ टेम्पल डेवलपमेंट बहुत किया मैंने पहला लिखा है तो आप देख सकते दिख रहा होगा ठीक है तो फेज वन में अगर कॉमन फीचर्स देखे जाए तो टेम्पल जो होता था वो स्क्वायर टेम्पल होता था आप देख सकते हैं स्क्वायर टेम्पल आपको दिख रहा होगा और रूफ जो है वो फ्लैट रूफ दिख रही होगी आपको ठीक है तो याद देखिए स्क्वायर टेम्पल विथ फ्लैट रूफ ठीक है देन पोर्टिको वॉज डेवलप्ड ऑन शेलो पिलर हाउड पोर्टिको मतलब हिंदी में बात करूं तो बरामदा जिसको अपन कहते हैं ठीक है तो आप देख सकते हैं यहां पर आपको बरामदा जैसा दिख रहा होगा पोर्टिको दिख रहा होगा

नेक्स्ट थर्ड फीचर याद रखिएगा जो प्लेटफॉर्म होता था आप देख रहे होंगे बहुत छोटा सा बना हुआ है है ठीक मतलब जो रेज अगर हम बात करते हैं टेंपल बना हुआ है तो कभी कभी रेस प्लेटफॉर्म होता है बहुत ऊपर प्लेटफॉर्म होता है तो पर कोई बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं है नॉर्मल प्लेटफॉर्म है ठीक है तो लो प्लेटफॉर्म से और ये जो मैं एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ याद देखिए मध्य प्रदेश में टेम्पल नंबर सेवनटीन एट साची वेरी फेमस टेम्पल विच इज द फेस वन डेवलपमेंट तो याद देखिएगा टेम्पल सेवनटीन ऑफ साची इज अ बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ फेस वन ऑफ टेम्पल डेवलपमेंट ऑफ टेम्पल्स ओके उसी का

ऑफ कोर्स स्क्वायर टेंपल विथ फ्लैट रूफ अगेन स्क्वायर टेंपल है आपको दिख रहा होगा और रूफ जो है वो फ्लैट है ठीक है सेकेंड प्लेटफॉर्म जो हो गया थोड़ा सा जो प्लेटफॉर्म था वो हायर हो गया कंपेयर टू फेस वन तो हायर प्लेटफॉर्म लिख सकते हैं

वर्ड विथ एन एम्बुलटरी पैसे फेज में मिली और कहीं कहीं आप देखेंगे टेम्पल्स टू स्टोरेज टेम्पल्स भी आपको मिलेंगे मतलब दो फ्लोर के टेम्पल्स भी देखने को मिल जाएंगे कहीं कहीं एग्जाम्पल अगर हम फेज टू के टेम्पल का एग्जाम्पल दें तो पार्वती

ये तो मैं कुछ दिखाने के लिए मैंने बनाया हुआ है तो देखते हैं फेज थ्री में क्या था अभी तक आप देख रहे थे था और जो रूफ रूफ थी थी वो फ्लैट फ्लैट थी, ठीक है अब किए गए क्या हो गया शिखर डेवलप होने लगे वट इज दिस कॉल ए शिखर आपने कभी टेम्पल देखा होगा तो आपने ऐसा कोई टेम्पल देखा होगा नॉर्मली कि जो सर ऊपर का पार्ट होता है कुछ ऐसा कर्व टाइप का पार्ट आपको दिखता होगा इसको हम कहते हैं शिखर रिमेंबर ठीक है तो अब जो है टेम्पल तो ऑफकोर्स स्क्वायर अभी भी है बट याद देखिएगा जो उसका रूफ है वो अब फ्लैट नहीं रहा और शिखर डेवलप होने चालू हो गए ठीक है लेकिन ऐसे शिखर नहीं बन रहे थे कि आप सोचे सो इतना अच्छा टेम्पल का आप दिखा रहे हैं डायग्राम इतना अच्छा शिखर बना हुआ इतना अच्छा शिखर नहीं था बस आपको बताऊँ शिखर होता क्या है आपको ओरिजिनल टेम्पल दिखाता हूँ एक्चुअली फेज थ्री में कैसा था ठीक है बट याद रखिएगा प्लेटफॉर्म ऑफकोर्स जो प्लेटफॉर्म था वो और हाइर हो गया थोड़ा सा टेम्पल रेज हो गया रिमेंबर मतलब फेज वन में कम था सेकंड फेज में थोड़ा सा डेवलप हुआ थर्ड स्टेज में और प्लेटफॉर्म डेवलप हो गया ठीक है शिखर इन प्लेस ऑफ फ्लैट रूफ दिस इज द इंपॉर्टेंट फीचर कि फ्लैट रूफ की शिखर आ गया है ठीक है बट शिखर भी मैं आपको बताऊं तो ये क्वाइट लो है बहुत हाइटेड शिखर नहीं है पर छोटा सा शिखर आपको दिखाई देगा मैं आपको ओरिजिनल डायग्राम दिखाता हूं जहां पे शिखर आपको छोटा सा दिखाई देगा ठीक है और कह सकते हैं शिखर इतना जैसे कर्व है यहां पर आप देख रहे हैं प्रॉपर कर्व है ऐसा प्रॉपर कर्व नहीं था ठीक है ऑलमोस्ट स्क्वायर ठीक है ऑलमोस्ट स्क्वायर था ठीक है आप थोड़ा सा कह सकते हैं कि हल्का सा कर्व था बट ऑलमोस्ट स्क्वायर वी कैन से तो लेकिन आप कह सकते हैं यहां पर शिखर डेवलप होना चालू हो गया था द स्टेज ऑफ

तो अच्छा अफकोर्स टेम्पल आर्किटेक्चर का ही फीचर है ओके तो पंचायत स्टाइल क्या होती है आप देख रहे यहां पर दश अवतार टेम्पल बहुत फेमस टेम्पल है देवगढ़ यूपी में लोकेटेड है दश अवतार टेम्पल रिमेंबर तो यहां पर होता क्या पंचायतन स्टाइल में आप देखिए यहां पर आपके मेन गॉड रहेंगे ठीक है मेन डायटी रहेगी और यहां पर आप देखेंगे चार श्राइन चार अलग अलग यहां पर भी चारों तरफ एक तो नहीं दिख रहा होगा आपको चारों तरफ यहां पर क्या होगा मतलब यहां पर मेन गॉड और उसके चारों तरफ रिमेंबर जो श्राइन रहेगी ये मेन श्राइन हो गए यहां पर सब्सिडरी श्राइन्स डेवलप हो जाएंगे तो टोटल पांच हो गए तो इनको पंचायतन स्टाइल ऑफ टेंपल आर्किटेक्चर कहते हैं ये फेज थ्री में डेवलप होना चालू हो गई थी तो पंचायतन स्टाइल ऑफ मेन श्राइन याद रखिएगा मेन श्राइन है और फोर सब्सिडरी श्राइन जो है वो स्टार्ट हो गई थी एट द फेज ऑफ थर्ड फेज में ओके सो दश अवतार टेम्पल एट दियोगर इज डियोगढ़ इन यूपी ओके एंड देन टेम्पल एट अह्योल इन कर्नाटका इट्स ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ दिस फेज थ्री तो याद रखिएगा फेज थ्री का जहां शिखर थोड़े से डेवलप होना चालू हुए थे

आगे बढ़ते हैं फोर्थ फेज में आते हैं अब फोर्थ फेज की अगर मैं बात करूं तो याद रखिएगा टेंपल ऑलमोस्ट सिमिलर है जिस तरह फेज फोर में थर्ड में थे वैसे ही टेंपल यहां पर है टेंपल सिमिलर सिमिलर एक्सेप्ट मैं बता दूं यहां पर मेन गॉड को रखते थे मेन श्राइन जिसे गर्भगृह मैंने कहा था आपको एक्सेप्ट द मेन श्राइन बिकम मोर रेक्टेंगुलर तो याद रखिएगा जो मेन श्राइन थी वो थोड़ा और रेक्टेंगुलर हो गई मतलब जो गर्भगृह था वो थोड़ा रेक्टेंगुलर हो गया आप देख सकते हैं यहां पर आपको डायग्राम दिखाई दे रहा होगा और जो शिखर था वहां पर आपने देखा होगा जस्ट डेवलप ही हुआ था यहां पर थोड़ा शिखर जो है वो ज्यादा डेवलप हो गया मोर डेवलप्ड आप यहां पर देख सकते हैं टेम्पल टे टेम्पल महाराष्ट्र में शोलापुर में लोकेटेड है ओके तो अगेन एग्जाम्पल ऑफ वॉट फेस फोर ओके यहां पर याद रखिए शिखर थोड़ा थोड़ा सा सा स्क्वायर से शेप में आने लगा, ओके, तो और जो मेन श्राइन थी ग्रब गया, जहां पर भगवान रखे थे, तो वो थोड़ा सा क्या हो गया? That is rectangular हो गई, ठीक है? तो become more rectangular. ऐसे पहले नहीं थी पहले भी रेक्टेंगुलर थी बट अब थोड़ा और ज़्यादा अच्छे से rectangular हो गई. The fourth phase. और लास्ट फेज जो है जिसको राजगीर बिहार में है, अगर कोई बिहार से देख रहा होगा वीडियो तो वो समझ सकता है ओके okay, तो याद रखिएगा यहां पर क्या किया गया टेम्पल जो है वो सर्कुलर शेप में आ गया आप यहां पर देख सकते हैं उसी का डायग्राम है उसी को पास से लिया गया है यहां देख रहा टाइप आपको सर्कुलर शेप में दिख रहा होगा अब आप ऊपर ये टीन देख रहे होंगे ये एक्चुअली इसलिए लगा दी गई क्योंकि जो इसका रूफ था वो डैमेज हो गया इसलिए पे टीन ऐसे लगा दी गई है ऐसे एक्चुअली टीन नहीं थी ठीक है तो टेम्पल देख रहा आप सर्कुलर शेप में आ गया है ठीक है तो फेज फाइव में सर्कुलर टेंपल डेवलप होने लगे ठीक है विथ शेलो रेक्टेंगुलर प्रोजेक्शन बट जो प्रोजेक्शन है याद रखिएगा वो रेक्टेंगुलर है ठीक है तो शेलो रेक्टेंगुलर प्रोजेक्शन है बट टेम्पल जो है वो सर्कुलर होने लगे ठीक है तो देख सकते हैं मेन जो टेम्पल है वो सर्कुलर शेप में है और यहां पर शेलो प्रोजेक्शन आप आसपास देखेंगे तो रेक्टेंगुलर फेस में बना हुआ है ठीक है तो दैट्स द एग्जाम्पल ऑफ मानियार मट एट राजगीर ओके सो दीज आर द फाइव फेज ऑफ डेवलपमेंट किससे से टेम्पल डेवलप हुए ओके तो मैंने अभी बस बहुत बेसिक बताया आपको अभी तो हमने कोई न द्रविडियन स्टाइल

वॉट इज़ दिस ग्रभ गृह अगर बात करें इसकी बहुत सिंपल है देखिए अभी मैंने बताया आपको जहां पर मूर्ति रखी जाती है लेना सपोज ये मैंने बहुत अच्छा टेंपल बना रखा है एक बड़ा सा टेंपल बना हुआ है आप देख रहे हो कभी भी आप टेंपल जाते होंगे ठीक है सीढ़ियां चढ़ते होंगे फॉर एग्जाम्पल जब आप अंदर जाते होंगे तो जहां पर गॉड रखे रहते हैं वहां पर आप जा नहीं पाते हैं ऑफकोर्स वहां पर पंडित जी रहते हैं तो यू नॉट एबल टू गो टू दैट पोजिशन तो यार कि जहाँ पर मेन गॉड रहते हैं ठीक है उसी पोजिशन को हम क्या कहते हैं दैट इज़ ग्रभगृह ठीक है तो यार कि जहां पर आइडल मूर्ति रखी जाती है उसे गर्भगृह कहते हैं तो मैंने आपको समझाया भी दैट इज सेम तो आप देख लीजिए इट इज रिफर रिफरिंग टू सेंटम सेंटोरम याद रखिएगा द इनर मोस्ट सेंटम ऑफ अ टेंपल टेम्पल का इनर मोस्ट स्ट्रक्चर याद रखिएगा वेयर मूर्ति और आइडल है ना प्राइमरी डाइटिक जो भगवान है वो रखे जाते हैं दैट इज नोन एज ग्रभगृह ठीक है इसका दूसरा नाम अगर देखा जाए तो इसको वॉर्म हाउस भी कहते हैं लिटरली मीनिंग है वॉर्म हाउस याद रखिएगा केव लाइक सेंटम याद एज सेक्रेट प्लेस तो इट्स नोन एज सेक्रेट प्लेस ऑफकोर्स जहां मूर्ति रखी जाती है वी नोन एज सेक्रेट प्लेस जिसको हम वॉर्म हाउस भी कहते हैं तो बहुत बेसिक आप कहते हैं ग्रभगृह क्या होती है ठीक है सेकेंड आते हैं सेकंड फीचर में सेकेंड इंपॉर्टेंट फीचर देखते हैं दैट इज मंडअप मंडप क्या होता है अब देखिए जब आप मंदिर में एंटर करते हैं ठीक है तो जहाँ भगवान रखे रहते हैं वो तो मैंने बता दिया आपको दैट इज ग्रभ गया ओके फिर जहाँ से पूजा करते हैं आप देखो एक हॉल में आप एंटर होते हैं जब आप टेम्पल में एंटर होते हैं तो एक हॉल रहता है <coughs> जहाँ पर आप पूजा वगैरह करते हैं ठीक है हॉल में आप खड़े होते हैं प्रेयर करते हैं तो दैट इज नोन नोनेस मंडप ठीक है तो याद रखिएगा

यहाँ पर पहले रिलीजियस डांसिंग हो गई म्यूजिक हो गया ठीक है ये सब चीजें बेसिक टेम्पल कंपाउंड में होती हैं ओके सम टेम्पल के पास मल्टीपल मंडप्स होते हैं मतलब एक मंडप नहीं एक हॉल uh, नहीं दो तीन हॉल होते हैं ठीक है तो उनको अलग अलग नाम से आता है जैसे इसको मंडप कह रहे हैं इसको अर्ध मंडप कह रहे हैं ठीक है तो यहां पे लिखा हुआ है महामंडप कह रहे हैं तो ऐसा अगर मल्टीपल मंडप है तो उनके अलग अलग नाम रख दिए जाते हैं बट आपको कॉमन याद रखना दैट इज नोन एज मंडप ओके तो जहां पर पोर्च लाइक -like स्ट्रक्चर है जहां जहां पर जहाँ पर आउटडोर हॉल है आप प्रेयर वगैरह रिचुअल्स वगैरह कहते हैं उसे कहते हैं हम मंडप ओके थर्ड चीज में आते हैं दैट इज शिखर और फोर्थ विमान ओके okay? शिखर और विमान मैं अभी आपको थोड़ा सा बता देता हूं शिखर जो है नॉर्थ इंडियन टेम्पल्स में देखा जाता है और जो विमाना है दैट इज इन साउथ इंडियन टेम्पल मतलब शिखर इस

तो so, शिखर में लिखा है इट इज ड्राइव फ्रॉम संस्कृत वर्ड इज शिखर जिसका मतलब होता है माउंटेन पीक इट इज अ कर्विंग शेप मैंने कर्व शेप होता है विच इज अउंटेन लाइक स्पेयर ऑफ फ्री स्टैंडिंग टेम्पल तो टेम्पल का जो फ्री स्टैंडिंग शेप हो गया आपका उसे कहते हैं शिखर और मेनलीट इज फाउंड इन नॉर्थ इंडियन टेम्पल्स विमाना इट्स पिरामिडिकल स्ट्रक्चर वो था सर्कुलर पिरामिडिकल लाइक स्ट्रक्चर रिफर्स टू राइजिंग टावर दैट इज अ टेम्पल आर्किटेक्चर ऑफ यहां पर नॉर्थ इंडिया इंडिया इसको सही कर लीजिए आप टेम्पल आर्किटेक्चर ऑफ साउथ इंडिया ठीक है तो शिखर इज एट नॉर्थ इंडिया विमाना इज एट साउथ इंडिया तो वो है सर्कुलर यह है पिरामि ओके okay? आगे बढ़ते

डिस्क शेप में स्टोन डिस्क लाइक स्ट्रक्चर एट द टॉप ऑफ याद रखिए द टॉप ऑफ टेंखर शिखर शिखर के टॉप पे जो रखा हुआ है स्टोन लाइक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर दैट इज नो नमल का याद रखना आपको और इसके ऊपर ही आप देख रहे हो कलश रखा हुआ है तो अगला है जो कलश तो टॉप मोस्ट पॉइंट आप कह सकते हैं

दिस इज मंडप और मैंने बताया कभी कभी मल्टीपल मंडप्स होते हैं जैसे एक और मंडप है तो उसको अर्ध मंडप महामंडप ऐसे करके नाम रख देते हैं ओके okay? अब देख रहे होंगे आप ये जो आपका मंडप है ठीक है और जहां आपका मेन गॉड है ठीक है इनके बीच में जो स्पेस है ठीक है इसको हम कहते हैं क्या यहां पे लिखा हुआ है आई थिंक इट इज नॉट लोकेटेड कोई बात नहीं दिस इज नोन एज अंतराल रिमेंबर तो ये जो बीच की प्लेस है ना बिटवीन मंडप और अंतराल, तो तो लिखा हुआ, मंडप. मंडप गॉड की डेटी रहती है, उसके बीच की जो स्पेस रहती है कभी आप टेम्पल विजिट करें तो आपको दिखेगी वो स्पेस दैट इज नोन एज अंतराल ओके सो दैट इज अव फीचर ऑफ इंडियन टेम्पल्स ओके आगे बढ़ते हैं एथ दैट इज़ जगाती व्हाट इज दिस जगाती दिस इज़ वेरी सिंपल ठीक है आप जैसे टेंपल्स देख रहे हैं इनको हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम पर्टिकुलर स्टाइल डिस्कस करेंगे तो देखिए कोई टेंपल है ठीक है टेंपल में अगर आप देख होंगे कि ये पूरा प्लेटफॉर्म बना रहता है ठीक है जहाँ पर टेम्पल लोकेटेड है ठीक है तो ये प्लेटफॉर्म इसके अराउंड आप घूमते रहते हैं कभी अगर आप खजराहो गए हूं ठीक है सो वन ऑफ द फेमस टेम्पल इन मध्य प्रदेश तो अब वहां पर अगर टेम्पल में अगर चारों तरफ घूमते हैं जहां पर आप ठीक है दैट इज नोन एज जागति मतलब जो प्लेटफॉर्म है ना जहां पर लोग घूमते हैं दैट इज नोन एज याद रखिए टर्म तो यूज फॉर प्लेटफॉर्म प्लेटफॉर्म टेंपल का प्लेटफॉर्म को हम कहते हैं द पीपल सिट फॉर प्रेइंग लोग यहां पर बैठते हैं घूमते रहते हैं प्रे करते रहते हैं तो दैट इज नोन एज एजति ओके सो दीज आर द एट इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ इंडियन टेम्पल आई होप आपको बहुत बेसिक मैंने क्लियर कर दिया है इसमें जब हम आगे पढ़ें तो

में कमेंट कर सकते हैं थैंक यू